तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी चीज की रिव्यू करके। आप देख सकते हैं इस चीज का मैं आज रिव्यू करके आपको बताने वाला हूं। आप लोग सोचेंगे ये होता क्या है और ये क्या चीज है। दोस्तों ये बहुत ही यूजफुल चीज है। अगर आप अपने मोबाइल में फोटोज खींचते हैं तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो इसका नाम है रिमोट शटर। तो ये कैसे काम करता है और एक्चुअल में इसका पूरा रिव्यू बताने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोरा, आपका स्वागत है मेरे चैनल एसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको इस प्रोडक्ट की रिव्यू करके बताने वाला। तो इस प्रोडक्ट को कहते क्या है दोस्तों, इस प्रोडक्ट को कहते हैं रिमोट शटर। आप देखो, इसको रिमोट शटर बोलते हैं, जो कि आपको अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे 200-250 तक की रेंज में आपको ये मिल जाएगा, और मार्केट में जाएंगे तो और सस्ता भी आपको मिल सकता है। दोस्तों इसका काम क्या है, जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें यहाँ पर दो बटन दिए गए हैं बड़े। एक यहाँ पर दिया है कैमरा 360 iOS के लिए और एक दिया है एंड्रॉयड। आपको दिख रहा होगा एंड्रॉयड। अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल में इसको यूज़ करेंगे तो आपको इस पर क्लिक करना होगा, और अगर आप आईफोन में यूज़ करेंगे तो आप इसको यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसके बगल में आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिया है इसको की चेन। अगर आप अपनी चाबी में लटकाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, जो कि अच्छी खासी बॉडी है और आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके बगल में आपको दिया है यहाँ पर ऑन ऑफ करने का बटन। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो इसकी लाइट यहाँ पर ऑन हो जाएगी, मतलब कि एक्टिव हो चुका है और आप इसको पेयर आउट कर सकते हैं। इसके पीछे की तरफ आएंगे तो उसके बारे में कुछ लिखा गया है, जैसा कि ये लिखा है मेड इन चाइना, ये चाइना का प्रोडक्ट है। और बगल में यहाँ पर आपको खोलने का ऑप्शन दिया है। यहाँ पर आप जैसे इसको खोलेंगे तो इसके नीचे एक सेल लगा हुआ है, जो कि आपको इजीली कोई से भी घड़ी की शॉप पे मिल जाएगा। जब ये ख़त्म हो जाए तो आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब उसको चेंज आउट कर सकते हैं। दोस्तों इसको ख़रीदने के लिए आपको नीचे अमेजोन का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके इसको बाय कर सकते हैं। कैसे पेयर करते हैं वो मैं आपको बताऊँ। तो इसको पेयर करने के लिए आपको करना क्या है, इसको पेयर करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ से इसको ऑन करना है, यहाँ से आपको इसको ऑन करना है, और यहाँ से इसका ब्लूटूथ को ऑन कर लेना है। ब्लूटूथ ऑन करने के बाद आपको वहाँ चले जाएंगे, आपको ये यहाँ पर मिल जाएगा एपी शटर 3 नाम से, आप देख रहे होंगे ये आपको मिल जाएगा। आपको उस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर पेयर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पेयर करेंगे, ये पेयर हो चुका है और अब ये काम करना चालू कर लिया। कैसे काम करेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर कैमरा खोल लिया है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कैमरा खोला है और मैं यहाँ से एंड्रॉयड वाले बटन को दबा रहा हूँ। जैसे ही दबाऊंगा ये फोटो क्लिक करना चालू कर देगा। आप देख रहे हैं फोटो यहाँ पर क्लिक होना चालू हो गई, और यह नीचे भी दबाऊँ तो भी इससे भी आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं, नीचे वाले से भी आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। तो आप कितने भी दूर से, मतलब कितने भी दूर 30 फीट दूर तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपल यहाँ एंड्रॉयड मोबाइल में दोनों से ऊपर या नीचे से कहीं से भी क्लिक करके फ़ोटो को क्लिक कर सकते हैं। अगर आप आईफोन में हो तो सिर्फ आपको यहाँ पर ऊपर बड़े वाले बटन को ही यूज़ करना होगा, नहीं तो आप फ़ोटो क्लिक नहीं कर पाएंगे। और एक्चुअल में कैसे और अपन इसको दूर तक यूज़ कर सकते हैं वो अभी आपको मैं थोड़ी टेस्टिंग करके बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो कितनी दूर मेरा भी मोबाइल है, और मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ और फोटो क्लिक हो रही है। आपको दिख रही होगी वो स्क्रीन ब्लिंक होती हुई, और वो इजीली यहाँ से भी काम कर रहा है। और थोड़ी दूर तक मैं चले जाऊँ, अगर मैं थोड़ी और दूर जाऊँ तो आप देखेंगे अगर, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी दूर है, और अब मैं दूर से भी यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो वहाँ पर उसकी लाइट आप देख रहे होंगे ब्लिंक हो रही है, मतलब कि फोटोज़ वहाँ पर क्लिक हो रही है। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। आप यहाँ पर कोई फ़ोटोज़ या वीडियोज़ बनाते हैं या फोटोज़ क्लिक करते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, और आप अच्छा खासे यहाँ पर फ़ोटोज़ ले सकते हैं विद इसके। आपको खाली इसको मोबाइल को कहीं भी रख देना है और उसके थ्रू आप फ़ोटोज़ यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, जो कि शानदार प्रोडक्ट है। मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत शानदार लगा। नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मेरी वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही वीडियो और चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि और मैं अच्छे अच्छे प्रोडक्ट की रिव्यू कर सकूं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना भाई, चैनल को लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। थैंक यू।